राधे राधे, जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल। देव शयनी एकादशी से योग निद्रा में चले जाते हैं भगवान नारायण। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भगवान के योग निद्रा में जाने के विषय में, और साथ ही ये भी बात करेंगे कि क्या माता लक्ष्मी, माँ पार्वती और माँ दुर्गा भी सोती हैं, क्या ये सच है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम बात करेंगे 2024 में होने वाली देवशयनी एकादशी के विषय में। साथ ही ये भी बात करेंगे कि जिस तरह से भगवान योग निद्रा में जाते हैं, क्या माँ लक्ष्मी और पार्वती माता, माँ दुर्गा भी निद्रा में जाती हैं, क्या ये सच है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से 4 माह तक योग निद्रा में चले जाते हैं। इस कारण से 4 महीने तक सारे शुभ कार्य वर्जित होते हैं और कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, चाहे वह विवाह हो, चाहे वह विवाह की बात भी नहीं चलाई जाती। मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने जो बचपन से देखा है हमारे घरों में, यदि विवाह के विषय में बात भी करनी है, लड़के लड़की की मुंह दिखाई होनी है कि लड़के को देखना है कि लड़की को देखना है, इस तरीके से कोई भी किसी भी तरह का शुभ कार्य, छोटा कार्य भी नहीं किया जाता है। बाकी तो इंसान अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करता है, लेकिन जो परम्परा है, जो नियम है, उनकी हम बात करें तो विवाह और मुंडन, गृह प्रवेश, कोई भी शुभ कार्य इन 4 महीनों में नहीं किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु निद्रा में जाते हैं तो क्या माँ लक्ष्मी, देवी पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी समेत अन्य देवी देवता भी योग निद्रा में जाते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से देव सो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से 4 माह तक योग निद्रा में चले जाते हैं। इस वजह से कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। मांगलिक कार्यों को होने के लिए देवों का जागृत अवस्था में रहना जरूरी होता है। देव जब सो रहे होते हैं तो शुभ कार्य इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और वामन पुराण में भगवान विष्णु और अन्य देवों के शयन के विषय में पुलस्त जी ने नारद जी को बताया है। पुलस्त जी कहते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा के बीत जाने के बाद उत्तरायण चलता रहता है, तब भगवान श्री हरि विष्णु शेष शैया पर सो जाते हैं। भगवान विष्णु के निद्रा में जाने के पश्चात देवता, गंधर्व, देव माताएं आदि सभी सो जाते हैं। पुलस्त जी बताते हैं कि सूर्य के मिथुन राशि में होने और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शयन की परिकल्पना की जाती है। एकादशी के दिन शेषनाग और उनके फन की रचना करके उस पर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु को उनकी शेष शैया पर सुलाना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो और देवी देवता हैं, क्या वो भी सोते हैं और कौन सी तिथि को सोते हैं। त्रयोदशी तिथि को कदम के फूलों से बनी शैया पर कामदेव शयन करते हैं। अब बात करते हैं यक्षों के विषय में, तो चतुर्दशी तिथि के दिन यक्ष लोग सुखद शैया पर सोते हैं। अब बात करते हैं अपने भोलेनाथ की, तो भगवान शंकर पूर्णमासी यानी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन शंकर जी बाघ के खाल से बनी शैया पर शयन करते हैं। इसके बाद सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करते हैं और तब से दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है, जिसे देवताओं की रात्रि कहते हैं।
ब्रह्मा जी सावन के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ब्रह्मदेव नीले कमल की शैया पर सो जाते हैं। देवों के शिल्पी विश्वकर्मा जी द्वितीया तिथि को शयन करते हैं, इसे अशून्य शयन द्वितीया तिथि कहते हैं। माँ पार्वती सावन कृष्ण तृतीया तिथि को शयन करती हैं। गणेश जी सावन कृष्ण चतुर्थी तिथि को विघ्नहर्ता श्री गणेश जी सोते हैं। पंचमी तिथि के दिन धर्मराज यानी यमराज जी शयन करते हैं। श्रावण कृष्ण षष्ठी तिथि को भगवान कार्तिकेय शयन करते हैं। सप्तमी तिथि के दिन भगवान भास्कर भी सो जाते हैं। सावन कृष्ण अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा शयन करती हैं और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को माँ लक्ष्मी भी शयन करती हैं। इनके अलावा दशमी तिथि को सर्प और एकादशी तिथि को सभ्यगण सो जाते हैं। देवताओं के सो जाने से बरसात का मौसम प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए, इस तरीके से हमने आपको बताया कि जिस तरह से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं, क्या माताएं भी जो हमारी देवी माँ हैं क्या वो भी सोती हैं? तो ये लिखा था पुलस्त जी के अनुसार बताया गया है और ये लिखा था बामन पुराण में, जो कि आज की वीडियो में हमने आपको बताया। और यहाँ लेकिन आपको ये भी समझ लेना है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं, बाकी के जो देवी देवता हैं वो सिर्फ 1 दिन के लिए ही निद्रा में जाते हैं। तो चलिए, अब आपका ये वाला जो प्रश्न है उसका उत्तर तो आपको मिल गया होगा। और देखिए, आपका प्रश्न नहीं आपने पूछा था मुझसे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में कभी ना कभी इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं, तो इसलिए हमने सोचा इसी विषय पर क्यों ना एक वीडियो को बनाया जाए। सर्च किया, बहुत ज़्यादा हमने जांच पड़ताल की, तब जाके हमें ये थोड़ा सा जो भी हमें परिणाम मिला वो आपके सामने प्रस्तुत है। तो चलिए, अब हम प्रारंभ कर लेते हैं भगवान विष्णु का विष्णु चालीसा। सभी लोग गणेश जी का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु का ये सुंदर विष्णु चालीसा का पाठ श्रवण कीजिए। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजय ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब बंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्ति उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरण विधेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतारे असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप बारा हर रूप बनाया, हरनाक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य धन सिंधु बनाया, 14 रत्न सिंधु को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंद्रा चलित गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। बेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खलई नचाया, उसे कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उनकी ने लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरत भुलानी। देखत तीन
धनुज शैतानी वृंदा आए तुम्हें लपटानी हो इस स्पर्श धर्म छतिमानी हना असुरूर शिव सैतानी तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे हिरणकुश आदिक खल मारे गड़िका और अजा मिल तारे बहुत भक्त भव सिंधु तारे हरो सकल संताप हमारे कृपा करो हरि संसिर जन हारे देखो मैं निज दर्श तुम्हारे दीन बंधु भक्तन हितकारे चहते आपका सेवक दर्शन करो दया अपनी मधुसूदन जानू नहीं योग जब पूजन होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन शील दया संतोष सुलक्षण विदित नहीं प्रतिबोध विलक्षण करूं आपका किस विधि पूजन कुमति विलोक होते दुख भीषण करूं प्रणाम कौन विधि सुमिरण कौन बात में करूं समर्पण सुर मुनि करत सदा सेवकाई हर्षित रहत परम गति पाई दीन दुखिन पर सदा सहाई निज जन जान लेव अपनाई पाप दोष संताप नशाओ भव बंधन से मुक्ति कराओ सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ निज चरणन का दास बनाओ निगम सदा ये विनय सुनावे पढ़े सुनै सो जन सुख पावे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो इस तरीके से भगवान विष्णु का ये चालीसा है जिसका आप पूरे चार महीने देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक पाठ कर सकते हैं और गजेंद्र मोक्ष का पाठ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना चाहते हो तो कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके लिए उस पर भी एक बहुत सुंदर सी वीडियो लेकर आएंगे। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी भी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य ही कीजिएगा। चार महीने भक्तों, ये जो चार महीने चातुर्मास चौमासे के जो होते हैं, ये चार महीने भगवान के विश्राम के होते हैं और भगवान योग निद्रा में जाते हैं, कोई वो शयन नहीं करते हैं। ये तो आम भाषा में हम कहते हैं कि भगवान सो रहे हैं, देव सो रहे हैं, किंतु वो योग निद्रा में जाकर अपने आप को और अधिक शक्तिशाली ऊर्जावान बनाते हैं। वो योग साधना में लीन होते हैं और वो भगवान हैं, वो ईश्वर हैं, वो इस संसार के पालनहार हैं, सृष्टि के पालन करने के लिए हमारे सृष्टि के पालनकर्ता चार महीने योग निद्रा में रहकर भी अपने आप को और अधिक शक्तिशाली बनाते हैं सृष्टि के सारे कार्यों को करने के लिए। इस समय, इन चार महीनों के समय, भगवान के योग निद्रा में जाने के समय हमें निद्रा में नहीं जाना है। कहने का तात्पर्य है कि जितना हम सोते थे उतना ही ठीक है और यदि आप अपनी नींद के घंटे कम कर सकते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि ये भगवान के पूजा पाठ जप तप होम हवन व्रत इत्यादि का समय है। तो इन चार महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु नाम का जप कीजिए, हवन कीजिए, बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है, अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स मम्मी पापा भाई बहन सभी के साथ शेयर कीजिए। आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय माता की कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता की, राधे राधे।